अटेंशन, वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स फ्रेंड्स इन फिजिक्स क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज सेकेंड चैप्टर ऑफ मैग्नेटिज्म, दैट इज चैप्टर्स नेम इज मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिज्म का दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। ये सेम चैप्टर आप इलेक्ट्रोस्टेट्स में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के नाम से पढ़ चुके हैं पूरा। ये तो 100% सेम है, 100%, सिर्फ नाम बदलेगा। सामने नोट्स रखिए आप लोग इलेक्ट्रोस्टेट्स का। दूसरा चैप्टर शुरू कीजिए तो उसमें देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, कहाँ नोट्स आप लोगों का? अरे सिर्फ फायदा है ना आपको, क्या फायदा है कि एक साथ दोनों तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टेट का इलेक्ट्रोस्टेट तैयार हो गया, मैग्नेटिज्म का जितना जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टेट खास के ऑनलाइन नहीं पढ़ा है उसके लिए तो और अच्छा मौका है। वो नोट्स ले लीजिए और उसको देखिए, तुमने पढ़ी हो ना उसको नोट्स, होता है इलेक्ट्रोस्टेट का, लो वहां से उठा के कंजूसी मत करो, 160 रुपये जमा करो उसका। तुम पता दे दिया है कितना दिया था? हाँ सब बोलते 100 रुपये जमा किया था। ऐ चलो ले लो, दोनों उठा के दे, ट्रेंड सेम है, सिर्फ नाम चेंज होगा। निकाला आपने इलेक्ट्रोस्टेट का। चलिए हम लोग इसमें शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है या थोड़ा सा नाम बदला है, मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको डिनोट बी से करेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक इंडक्शन एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल। इनको वी से डिनोट करते हैं। कहां से शुरू होगा? मैग्नेटिक फील्ड से। आप देखिए इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू हुआ है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड। हिंदी में बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन बात सा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया गया था कोई चार्ज हो उसके अराउंड का वह एरिया, वह फील्ड, वह स्पेस जहां तक वह दूसरे मैग्नेट पर क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगाता है लेकिन लेकिन यह फोर्स डिस्टेंस के बढ़ने से तेजी से घटता है, एक लिमिट के बाद फोर्स नहीं लगा पाता है। कोई मैग्नेटिक पोल अपने अराउंड के एक लिमिट एरिया तक के ही दूसरे मैग्नेट पर या मैग्नेटिक सब्सटेंस फेरस निकेल कोबाल्ट पे फोर्स लगा सकता है। तो कोई मैग्नेट अपने अराउंड के जितने स्पेस तक दूसरे चार्ज दूसरे मैग्नेटिक पोल पे फोर्स लगा सकता है, वही स्पेस वही एरिया वही डिस्टेंस क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। नाम में डिफिनेशन है मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड अराउंड एनी, वहां पे चार्ज था यहां मैग्नेटिक पोल बोलेंगे, चार्ज हटा करके यहां क्या बोल देंगे? मैग्नेटिक पोल। इसका डिफिनेशन होगा फील्ड, फील्ड भी बोल सकते हैं या स्पेस भी बोल सकते हैं, स्पेस अराउंड
अराउंड एनी मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल अप टू विच इट कैन एग्जर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट, या मैग्नेटिक पोल्स लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं फेरस, निकेल, कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लेते हैं ये मैग्नेटिक पोल है हमारा, जिसका पोल स्ट्रेंथ m है, इसके अराउंड का ये स्पेस है, ये स्पेस इसके चारों तरफ का है, ये बिल्कुल बीच में होना चाहिए, चारों तरफ फोर्स लगाता है ना, क्या कहता है, चारों तरफ कहीं स्पेस में है, चारों तरफ ये फोर्स लगाएगा। अब यहाँ 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 कहीं भी इस बाउंड्री लाइन के अंदर किसी भी मैग्नेटिक पोल को लाया जाएगा, ये पोल उस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। इसी स्पेस को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये चारों तरफ का ये स्पेस है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। द फील्ड अराउंड स्पेस या फील्ड जो कहिए आप। अब देखिए इसी फील्ड के किसी पॉइंट पर हम लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के लिए वहां वन एन पोल लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टेट में प्लस वन चार्ज लेते हैं। याद रखें जो काम प्लस चार्ज का इलेक्ट्रोस्टेट में होता है वही काम यहाँ नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल को जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज मानेंगे और साउथ पोल को जस्ट लाइक नेगेटिव, नॉर्थ पोल को जस्ट लाइक और नेगेटिव, नॉर्थ साउथ पोल को जस्ट लाइक नेगेटिव चार्ज मानेंगे। तो जहां जहां प्लस वन चार्ज है इलेक्ट्रोस्टेट में, जहां जहां प्लस वन चार्ज है मैग्नेटिज्म में, वहां वहां वन एंड पोल आएगा। वन एंड पोल मतलब यूनिट नॉर्थ पोल, वन एंड पोल मतलब ऐसा पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ वन है, उसको बोलते हैं वन एंड पोल। ऐसा मैग्नेटिक पोल जिसका पोल स्ट्रेंथ का मान वन है उसी को बोलते हैं वन एंड पोल, वन एंड पोल यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर अगर क्या रखा जाए, वन एंड पोल रखा जाए, यहां 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 कहीं भी रखे वन एंड पोल, इस वन एंड पोल पर ये पोल जितना फोर्स लगाएगा वो उस पॉइंट का मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो यही है, मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हिंदी में चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको शॉर्टकट में लोग मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम इसी का है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसी का पूरा नाम हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इस चैप्टर में हम बोलते हैं दो हीरो है, एक बी और एक वी, इसी दोनों पे सारा खेल होना है। बी और वी, बी बोला तो सब लोग नहीं बोल रहे हैं, कुछ छपाई में शुरू कर दिए छपाई मास्टर सब, बी फोर एंड वी फोर मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो दो हीरो वाला चैप्टर कह सकते हैं, एक मैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो चलिए हम लोग मैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन तो यहां समझ चुके हैं आप, वन एन पोल पर जितना फोर्स लगता है, वन एन पोल पे जो फोर्स लगता है वही उस पॉइंट का मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। डिफिनेशन कहेंगे द मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ पोल, यूनिट नॉर्थ, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं वन एन पोल, वन एन पोल
द मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल लाई एट एनी पॉइंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड. इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ दैट पॉइंट. इंडक्शन ऑफ दैट पॉइंट. अभी इसका डिफिनेशन याद होना चाहिए. व्हाट इज मैग्नेटिक इंडक्शन? द मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल. समझो शॉर्ट डिफिनेशन इतना तो याद रख लीजिए. द फोर्स ऑन यूनिट नॉर्थ पोल. इतना तो वन एंड पोल भी बोलिए अगर उतना भी शॉर्ट छोटा करना चाहते हैं. द मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन एंड पोल यूनिट नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वही मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा. तो इसका सिंबल क्या हुआ? बी. मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिनोटेड बाय कैपिटल बी. कैपिटल बी से इसको डिनोट करते हैं. मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? देखिए फॉर्मूला कहीं आसमान से नहीं उतरता है, डिफिनेशन से ही फॉर्मूला बनता है. ये क्या है? मैग्नेटिक फोर्स. तो ऊपर लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स, एफ लिख दीजिए. जो चीज यूनिट होता है उससे भाग देते हैं. यूनिट नॉर्थ पोल है तो नीचे पोल स्ट्रेंथ एम लिख दीजिए. तो एफ से क्या हुआ? इसको बी से डिनोट किया और एफ बाई एम आया. एफ बाई एम, बी का फॉर्मूला एफ बाई एम. एफ से क्या है? मैग्नेटिक फोर्स. एफ फोर यहाँ पे है मैग्नेटिक फोर्स, एम फोर मास. क्या हुआ? एम फोर, एम फोर मास है. एम फोर क्या है? हाँ, यहाँ बहुत कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है, मास समझने लगते हैं. ये मास नहीं है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है. मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला इस एक्सरसाइज का हम लोगों ने प्राप्त किया. V बराबर F बाई एम. अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखते हैं. नोट का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. पहला तो ये पूछता है ये स्केलर है या वेक्टर है. क्या है ये? मैग्नेटिक इंडक्शन स्केलर है या वेक्टर है? क्या है? क्योंकि ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर होता है, इसलिए मैग्नेटिक इंडक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है. मैग्नेटिक इंडक्शन, इसी तरह वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, वो भी फोर्स है, वो भी वेक्टर होगा इलेक्ट्रोस्टेट में. मैग्नेटिक इंडक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी. दूसरा, इसका एसआई यूनिट बताया जाए. एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? फोर्स का क्या होता है? न्यूटन. पोल स्ट्रेंथ का एम्पियर मीटर. तो न्यूटन मीटर इनवर्स, एम्पियर इनवर्स. लेकिन लेकिन इसको हम लोग टेस्ला बोलेंगे, कैपिटल टी से डिनोट करेंगे. फेमस जो है वो टेस्ला है. ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या याद रखना है? टेस्ला. बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है. व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन? क्या बोलेंगे? टेस्ला. टेस्ला भूल जाएगा तो तस्ला याद कर लीजिएगा. क्या याद कर लीजिएगा? तस्ला. तस्ला तो नहीं भूलेगा कोई. मैग्नेटिक इंडक्शन कैसा यूनिट? टेस्ला. किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल टी से. टेस्ला किसको कहेंगे? कोई अगर पूछे तो वन न्यूटन मीटर इनवर्स एम्पियर इनवर्स को ही वन टेस्ला बोलेंगे.
1 टेस्ला बोले। इसका डायमेंशन बता सकते हैं कोई? डायमेंशन ऑफ बी, बी फोर बॉल, बी फोर कहना बता रही है तुम, बी फोर बॉय, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या डायमेंशन होगा फोर्स का बोलिए? फोर्स का डायमेंशन पोल स्ट्रेंथ का, याद हुआ आप लोगों को पोल स्ट्रेंथ का? एम से कुछ लोग मास बैठा देता है, मास नहीं है, क्या बता रहे हैं बार बार, पोल स्ट्रेंथ है। आई एल ए एल एल आई एल एल खत्म, एम एल नॉट कीजिए, टी इनवर्स टू आई इनवर्स, इसको ए भी लिख सकते हैं, एम एल नॉट टी इनवर्स टू ए इनवर्स। अब आप एक और फॉर्मूला देखिए मैग्नेटिक इंडक्शन का, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मोनोपोल, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मोनोपोल। मोनो मतलब एक, किसी एक पोल के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर होता है। कोई एक पोल हो चाहे नॉर्थ या साउथ, मैग्नेटिक इंडक्शन का ये फॉर्मूला होता है एक पोल के लिए। मोनो मतलब एक, कोई एक पोल हो उससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हो वहां पे मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई एम फोर बी फोर। यहाँ म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट क्या है? परमियबिलिटी ऑफ पैकम। अब इसका प्रूफ चाहिए, क्वेश्चन है प्रूफ दैट, सिद्ध करना है फोर मोनोपोल मोनोमैग्नेटिक पोल मैग्नेटिक पोल बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकता है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मोनोपोल मोनोपोल या एनी वन मैग्नेटिक पोल, मोनोपोल नहीं लिख करके कहेगा एनी वन मैग्नेटिक पोल, एनी वन मैग्नेटिक पोल। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को प्रूफ करना है, होमवर्क है, क्या हो जाएंगे ना? जिस तरह से देखिए इलेक्ट्रोस्टेट में इस पे यूनिट पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला क्या आया था, वहां पे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर है। इलेक्ट्रोस्टेट में B के जगह पे E है, वहां देखिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखते हैं क्योंकि कोई पोल जो होता है वो छोटा पार्ट ही होता है, किसी मैग्नेट का छोटा पार्ट ही क्या होता है पोल होता है। तो वहां इलेक्ट्रोस्टेट में ये फॉर्मूला हम लोग ई करके पढ़े हैं, ई और ये कॉन्स्टेंट बदल गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एम के जगह पे क्यू आया है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टेट में हम लोग किए हैं उसी तरह से ये फॉर्मूला भी प्रूफ होगा, कोशिश करें है ना, खुद से कोशिश करें, आपको खुद खुशी होगी अपने से बनाए हम कुछ क्या, ठीक है, लिखा जाए, धन्यवाद।